बीती 8 तारीख को सिरमौर के बदराव तिवरियान टोला में शादी थी। 9 तारीख को विदाई हुई। बहन की विदाई करने के बाद भाई ने घर के मेहमान जो वहाँ मौजूद थे उनको पहुँचाने का निश्चय किया। 2 लड़कियों को लेकर वो रीवा की ओर चला। कल शाम को उसी दौरान रीवा से तेज रफ्तार जा रहा हाईवा माड़ो के पास उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मारी, जिसकी वजह से उसकी उपचार के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं दोनों लड़कियां फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही हैं। घर में शादी थी। बहन को विदा करने के बाद परिवार की ही 2 लड़कियों को छोड़ने आ रहे थे रीवा। इसी दौरान हाईवा ने मारी ठोकर, हो गई मौत। विपिन मिश्रा पिता उद्धव प्रसाद मिश्रा, उम्र 30 साल, बदराव तिवरियान टोला के सिरमौर में रहने वाले थे। 8 तारीख को घर में शादी का कार्यक्रम था। सगी बहन की शादी थी। बढ़ चढ़कर शादी में उन्होंने हिस्सा लिया। सब कुछ खुशी खुशी बीता। सुबह विदाई हुई। 9 तारीख की सुबह बहन की विदाई हुई। बहन की विदाई के बाद घर मेहमानों से भरा था। धीरे धीरे सभी ने जाने का निश्चय किया। परिवार के लोग अलग अलग जगह से आए थे। कुछ जा रहे थे, कुछ रुक रहे थे। रीवा से भी कुछ लोग गए थे। इन्हीं में से 2 लड़कियों को रीवा आना था, क्योंकि बहन की विदाई हो चुकी थी। इसलिए विपिन मिश्रा ने उन दोनों लड़कियों को अपनी मोटरसाइकिल से रीवा पहुंचाने का निश्चय किया। दोपहर बाद शाम होने के पहले विपिन मिश्रा रीवा के लिए चल दिए। रास्ते में जब वह बैकुंठपुर थाना अंतर्गत माड़ाव गांव के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल में जा रहे विपिन के सर में घातक चोटें आईं। वहीं साथ में जो 2 लड़कियां थीं वो दूर फिका गईं। सर में घातक चोट, वहां पर तत्काल ही गांव वाले एकत्र हो गए। उन्होंने 100 डायल को फ़ोन किया। 100 डायल मौके पर पहुंची। विपिन और उनके साथ घायल हुई दोनों लड़कियों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया 100 डायल की मदद से। परिजनों को सूचना मिली, परिजन मौके पर पहुंचे संजय गांधी अस्पताल। तब तक विपिन की मौत हो चुकी थी। दोनों लड़कियों का उपचार जारी था। परिजनों की माने तो उनकी 100 डायल के ड्राइवर से बात हुई। उन्होंने बताया विपिन की मौत रास्ते में ही हो गई थी। उनके सर में घातक चोट थी, उनके सर का एक हिस्सा खुल गया था। वहीं दोनों लड़कियों की हालत जब वह लेकर आया था उस समय बेहतर नहीं थी। दोनों लड़कियां बेहोशी की हालत में थीं, लेकिन 100 डायल की मदद से आए दोनों लड़कियों को और विपिन की मौत के बाद विपिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिया गया। वहीं दोनों लड़कियों को इलाज के लिए वार्ड में एडमिट कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों लड़कियों की हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है। फिलहाल दोनों संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट है। संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी के पास हमारी टीम ने विपिन मिश्रा के परिजन से बात की। आइए आपको सुनाते हैं विपिन मिश्रा की एक्सीडेंट को लेकर उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। उनका साफ तौर से कहना था बहन की विदाई के बाद कुछ लोग जो मेहमान थे उनमें से 2 लड़कियां थीं उनको छोड़ने रीवा आ रहे थे। इसी दौरान हाईवा की ठोकर से वो घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। ये विपिन जी कहाँ जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये इनकी बहन की शादी थी और बारात की विदा होने के बाद ये किसी को पहुँचाने रीवा आ रहे थे, तो माड़ाव के पास सामने से एक हाईवा आ रहा था तेज़ रफ्तार में और उसने ठोकर मार दी। तो सामने से सर में चोट लगी और वहीं के स्थानीय लोगों ने 100 डायल को फ़ोन ऑन किया। 100 डायल वहाँ से लेकर के इनको रीवा के लिए निकले ट्रीटमेंट कराने के लिए और हो गया। हम लोग जब तक सूचना मिली हम लोग यहाँ पहुँचे। 100 डायल वालों ने बताया कि इनकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में ही और बालिकाएं थी जिनको छोड़ने आ रहे थे उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर। हम लोग आए तो उनका ट्रीटमेंट चालू। उनकी स्थिति कैसी? उनकी स्थिति अब ठीक है। कल तो बात करने की स्थिति में नहीं थी, वो लोग बेहोशी की हालत में थे। जब ट्रीटमेंट चालू हुआ उनका तो होश आ गया था। बात करने आपकी कौन थी? जो मृत हैं वो हमारे चाचा जी के लड़के हैं।